पिछली बार जब सुपरटेट का पाठ्यक्रम पहली बार आया था तो पाठ्यक्रम को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां आपके मन में थी। संस्था ने इसका जिम्मा उठाया, मैंने जिम्मेदारी ली और मैंने पूरे पाठ्यक्रम को आपको समझाया था। किसी भी लक्ष्य को साधने में जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं तो उस लक्ष्य की बारीकियों को अच्छे से हमें पता कर लेना चाहिए, उनके बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। यह हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है। सुपरटेट ही एक ऐसा माध्यम है, एक बड़ा पाठ्यक्रम है। मैंने पिछली बार जब आपको बताया, चीजों को समझाया और उस हिसाब से आपने पढ़ाई की कि विषयवार अंक विभाजन क्या है, किस विषय से क्या क्या चीजें पढ़नी है, और आपने देखा कि लगभग लगभग वही जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन एक किया था सिलेबस का, उसी में से लगभग लगभग प्रश्न भी मिले और जो भी चीजें मैंने आपको छोड़ने के लिए कही थी उनमें से आपको प्रश्न नहीं मिले। बहुत सारे लोग सफल भी हुए हैं, उन्होंने अच्छे अंक भी प्राप्त किए हैं और वो संतुष्ट भी थे, है ना, अपनी सफलता से संतुष्ट थे कि वो उन्होंने सही दिशा में तैयारी की। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सुपरटेट तो देना चाहते हैं लेकिन उन्हें पाठ्यक्रम की बारीकियों के बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी से आज ये चर्चा करना चाहता हूं अंक विभाजन के हिसाब से और विषय के हिसाब से, जिससे आप कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी, अगर आप घर बैठे भी पूरी मेहनत से तैयारी करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो परिचर्चा है ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो और आपको सफलता तक पहुंचाए जो आप सुपरटेट में चाहते हैं। तो आज हम लोग पूरे पाठ्यक्रम की एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस हिस्से में से आपको क्या पढ़ना है। भले आपने प्रवेश लिया हो या ना लिया हो, यह वीडियो आप सबके लिए है और आप अंतिम समय तक, जब तक परीक्षा है आपकी, जब होने वाली होगी, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, जिससे आप निश्चित रूप से तय कर पाएंगे कि हमें सुपरटेट के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी किताबें और नोट्स उपयोगी हैं। सब कुछ आपके कमीशन ने लिख के दिया है। अगर आप बारीकी से वेबसाइट और चीजों को देखें, मैं सबके बारे में आपसे चर्चा करने चल रहा हूं। चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं एक मिनट में स्पष्ट कर दूं कि हमारे संस्थान में सुपरटेट के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हम फरवरी के पहले सप्ताह से कक्षाएं शुरू कर रहे हैं और लगातार कक्षा इस क्रम में आपको मिल भी रही है। आप शिक्षकों से रोज रूबरू हो रहे हैं, जैसे आज सुबह आप मनोविज्ञान के शिक्षक से रूबरू हुए। हम आपसे वादा करते हैं हम आपको वही सर्वश्रेष्ठ शिक्षण देंगे जो हमने आपको लास्ट टाइम दिया था और वही सफलता की दर रहेगी। सफलता की दर के नए कीर्तिमान हम लोग स्थापित करेंगे। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप एंट्री सुपरटेट लिख कर एक बार भेजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। प्रवेश के लिए व्हाट्सएप करना है एंट्री सुपरटेट या नीचे स्क्रॉलिंग में जो नंबर दिए गए हैं इन नंबरों पर आप फोन करके भी अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। पाठ्यक्रम परिचर्चा के पहले क्रम में यदि हम लोग देखें तो विषय आपके भाग कितने हैं, विषयवार और उसका अंक विभाजन क्या है, एक एक नजर हम इस पर डाल लेते हैं। जैसे यदि हम लोग देखें, यहां पर सबसे पहले मैंने क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये भाषा का हिस्सा है, 40 अंक आपको यहां से देगा। विज्ञान है, सामान्य विज्ञान, ये 10 अंक यहां से देगा। यहां से आप ये तय कर सकते हैं कि किस भाग पर आपको कितनी मेहनत करनी है ना। गणित ये 20 अंक आपको यहां पे दे रहा है। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, अब देखिए पूरे जीके और जीएस को यहां पे इकट्ठा कर दिया गया है, इसको आप जीके और जीएस करें, सामाजिक अध्ययन के साथ इकट्ठा किया गया है और ये पूरे के लिए 10 अंक अर्जित किए गए हैं। और पिछली बार ये 10 ही अंकों का आया भी था, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि यहां पर हिस्ट्री में से क्या पढ़ना है, पॉलिटी में से क्या पढ़ना है। मैं आज भी इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा अभी, है ना। शिक्षा, कौशल और बाल मनोविज्ञान, ये पोर्शन आपका 20 अंक का है जो आपकी साइकोलॉजी से जुड़ता है, जिसको आज सुबह सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से संप्रेषण के साथ डिस्कस किया है, है ना। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, ये करंट का पोर्शन है जो सामान्य ज्ञान की करंट की घटनाओं के साथ जो है आपसे पूछा जाता है, ये 30 अंक का है, ये सबसे बड़ा पोर्शन है। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पिछली बार मैंने 30 में से 300 प्रश्न इस भाग से आपको फंसाया था। जो 30 प्रश्न मैंने आपको दिए थे, 30 में से 300 प्रश्न आए थे और कैसे इस भाग को पढ़ना है, ये इस भाग की पूरी जिम्मेदारी मेरी ही है और कैसे आपको इस भाग को पढ़ाना है ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस भाग की तैयारी करनी है। पिछली बार इस भाग की जिम्मेदारी मैंने ली थी और जो लोग देख रहे हैं, जो पिछली बार बैच में थे, वो कह सकते हैं 30 में से 29 नहीं 300 प्रश्न मैंने यहां से आपको करके दिए थे और बहुत छोटे मैटर में दिए थे। एक मैंने आपको 27-28 पेज का हैंड रिटन नोट्स भेजा था, उसी 27-28 पेज में 30 के 300 प्रश्न आपको यहां से मिले थे। तार्किक ज्ञान, रीजनिंग,
जैसे मान लीजिए एसएससी का रीजनिंग का सिलेबस अलग होता है, बैंक का रीजनिंग का सिलेबस अलग होता है, सीसेट का रीजनिंग का सिलेबस अलग होता है। आपका कमीशन भारत का एकमात्र ऐसा कमीशन है जिसने रीजनिंग का कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं, है ना। रीजनिंग के सभी टॉपिक आपको दिए गए हैं सिलेबस में, और वो कितने अंक में दिए गए हैं? 5 अंक में। मैंने पिछली बार कहा था 6 टॉपिक जो ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित है, इन्हीं 6 टॉपिक से प्रश्न आए थे आएंगे, और मैंने उन्हीं 6 टॉपिक को आप लोगों को पढ़ाया था। याद करिए, कल से मैं रीजनिंग की कक्षाएं भी प्रारंभ कर रहा हूं, मैंने उन्हीं 6 टॉपिक को पढ़ाया था, और आप सभी लोग कमेंट करके पिछले बैच के लोग बता सकते हैं उन्हीं 6 टॉपिक में से 5 प्रश्न आए थे, कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं हुआ था। और इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्योंकि जो टूल्स हैं, जो एसेसरीज हैं आपकी, जिसका उस बच्चे के विकास में जो सहायक है, जिसको उस बच्चे को जानना चाहिए, जो मॉरल है, वही रीजनिंग आपको पढ़नी है। पूरी रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता यहां पे आपको नहीं है। तो ये भी मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आप अतिरिक्त प्रयास ना करें, सामान्य प्रयास में भी इस परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। सूचना एवं तकनीकी 5 अंक का है, ये हिस्सा भी मैंने पिछली बार आपको क्लियर किया था। इसमें मैंने आपको प्रमुख पोप ऐप पोर्टल्स और जो भी आपकी जो जुड़ी हुई करंट से जुड़ी हुई जो तकनीकी है वो बताई थी, और जो यहां से 3 प्रश्न आपके बने थे पिछले पेपर में, वो 3 प्रश्न यहां पे मैंने आपको बताए थे कि जो वही 3 प्रश्न आए थे, 3 पेज में मैंने आपको इसको पढ़ाया था पूरा। जीवन कौशल प्रबंधन, इसमें बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो आपके आईएएस के सिलेबस के हैं। मैंने 3-4 हिस्सों को आपको पढ़ाया था पिछली बार, इससे आपके प्रश्न नहीं आए थे। इस बार भी मैं आपको 3-4 हिस्सों को यहां से पढ़ाऊंगा। जैसे इसके कुछ प्रमुख हिस्सों में मैंने आपको बताया कि जहां ये होता है, हाँ, नेतृत्वकर्ता क्या होता है, संविधान को मानने में मूल क्या होते हैं, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको पिछली बार डिस्कस की थी। इस बार भी मैं इन चीजों को आपको डिस्कस करूंगा। तो लगभग ये आपका एक ओवरव्यू है जो पूरे उसका। अब जैसे यहां पे लिखा है पर्यावरण, तो यहां पे आपको पूरा पर्यावरण नहीं पढ़ना है। मैंने पिछली बार भी आपको ये बताया था, क्योंकि पर्यावरण पढ़ के ही आप आए हैं टेट क्वालिफाई करके, तो यहां पे पर्यावरण के अनुप्रयोग ही आपसे पूछे जाते हैं, जो करंट से जुड़े हुए हैं या पर्यावरण की दिशा में हम क्या विकास कर रहे हैं। पिछली बार भी मैंने जब बैच चलवाया था तो मैंने कहा था संस्थान में कि पूरा पर्यावरण मत पढ़ाइएगा। 5 पेज में ही मैंने पर्यावरण को कंप्लीट कराया था, और उन्हीं 5 पेजों से प्रश्न आए थे, है ना। तो पर्यावरण चूंकि आपसे टेट में पूछ लिया गया है, आप टेट पास करके आए हैं, यहां पर पर्यावरण नहीं पूछा जाएगा, बल्कि पर्यावरण के अनुप्रयोग पूछे जाएंगे, और उसमें क्या क्या पढ़ना है मैं वहां पर आपको स्पष्ट करूंगा। अब अगर हम इस पाठ्यक्रम को एक बार देखें, है ना, तो स्पष्ट रूप से यहां पर कुछ जानकारियां आपको दे दी गई है कमीशन के द्वारा। जैसे देखिए, यहां पर आप आइए, देखिए, भाषा विज्ञान गणित पर्यावरण सामाजिक अध्ययन जो है कक्षा 12 स्तर तक का है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, 2 तरह की किताबें होती हैं, एक एनसीईआरटी की किताबें होती हैं और एक एससीईआरटी की किताबें होती हैं। एनसीईआरटी की किताबें केंद्रीय परीक्षाओं में काम आती हैं। यहां पर जो 12वीं तक का स्तर आपका है वो या तो आप एससीईआरटी की किताबें देखें या एनआईओएस की किताबें देखें, क्योंकि यहां से आपके प्रश्न ज्यादा बनते हैं ना। उन किताबों के भी प्रमुख हिस्सों को हम आपको मुहैया कराते हैं जो आपके लिए आवश्यक होता है। शिक्षक कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति, ये डीएलएड स्तर पाठ्यक्रम का आपका पूछा जाता है। ये उन्होंने स्पष्ट यहां पे लिख के दिया है, और इसको आप मान के चलें। आपके पास बहुत समय नहीं है अब रुकने के लिए या जानने के लिए। अगर आप बिना कोचिंग के घर बैठ के भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इन बताई जा रही चीजों को बारीकी से देखें जो मैं आगे बता रहा हूं, जिससे आप ये तय कर पाएंगे कि वास्तव में आपको क्या नहीं पढ़ना है, है ना। ध्यान रखिए, अगर आप घर बैठ के भी तैयारी कर रहे हैं, गौर से देखिए, यहां पर मैंने यहां पर 2 चीजें आपको स्पष्ट की कि एससीईआरटी की किताबें जो स्टेट की हैं उनको आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्लियर। एनसीईआरटी की किताबों पे यहां पे कम फोकस करना है। एनआईओएस की जो किताबें होती हैं, एनआईओएस की, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण यहां पर 12वीं तक की हो सकती हैं। आप कोशिश करिए कि उन किताबों को लें, है ना। देखिए, जब तक मन में दृढ़ विश्वास और जज्बा नहीं होगा, सफलता नहीं होगी, है ना। पहले तो बैठे हैं, उदास बैठे हैं, कोई दिनचर्या नहीं है, सुबह कभी भी उठ रहे हैं, जैसे दिन चल रहा है वैसे अपने आप को चला रहे हैं, नहीं। आपकी एक दिनचर्या होनी चाहिए, लगना चाहिए कि आप इस लक्ष्य के पीछे पड़ गए हैं, है ना। जागिए, उठिए
और लक्ष्य के प्रति समर्पित होइए। जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग ही करिए, अगर आप खुद से भी इतने गुणी हैं तो आप स्वयं से भी तैयारी कर सकते हैं। मैं बार बार अपने वीडियोज में ये बात बताता हूं कि ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप इतने गुणी नहीं है तो इस अवसर को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आएगा। और यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको क्वालिफाई ही करना है, यहां पर आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। पिछली बार 120, 125, 130 नंबर बहुत सारे लोगों के आए हैं, आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं बहुत कम मेहनत में। संस्थान के पास ऐसे अध्यापक हैं, संस्थान के पास वो गुणवत्ता है, लेकिन अगर आप स्वयं से करना चाहते हैं तो भी हम आपकी मदद करेंगे, हम लगातार आपके लिए वीडियो बनाएंगे। बस आप नीचे कमेंट में ये प्रेषित करिए कि आप तैयार हैं। अगर जैसे अगर आपने कहा कि हाँ हम तैयार हैं, हम आपके लिए दिन रात एक कर देंगे। अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि हम तैयारी करना चाहते हैं सर सुपर टेट की, सुपर टेट के बारे में हम एक एक जानकारी चाहते हैं, आप खंडवार चीजों को बताइए, तो आप नीचे कमेंट करिए। मैं वादा करता हूं कि घर बैठे ही मैं आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करा दूंगा। प्रवेश ना भी लीजिए तब भी मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप सफल हो जाएंगे। लेकिन वो जज्बा आपके कमेंट्स में दिखना चाहिए, वो चीजें आपके लोग उसमें देखनी चाहिए। जिन लोगों ने भी बीओ में वो जज्बा दिखाया है कमेंट्स में नीचे, हम सब उनसे संपर्क कर रहे हैं। आपके भी कमेंट्स में वो जज्बा अगर नीचे दिखा कि सर कोचिंग प्रवेश ये एक अलग बात है, यहां पे पूरी ईमानदारी से प्रेषित आपको बात कर रहा हूं, अगर आपके कमेंट में आपके पास होने का जज्बा दिखता है ईमानदारी से, तो लास्ट के 15 दिन रात आपके लिए एक कर देंगे। कोई बेटर नहीं है कि आपको क्या करना है ना, लेकिन लास्ट के 15 दिन वही लोग सफल हो पाएंगे जिन्होंने अच्छे से मेहनत स्वयं से की है। तो स्वयं से मेहनत की दूरदर्शिता हो, आप चीजों को छांट सके, आपके अंदर जज्बा हो, संस्थान मैं पूरी टीम आपके साथ है, कहीं भी हम कसर नहीं छोड़ेंगे, हम आपसे वादा करते हैं, है ना, कहीं भी कसर। और थोड़ा भी मन में डाउट हो तो बैच संचालित हो रहा है, एकदम देर मत करिए, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते, है ना। हम सब मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, केवल पाने के लिए है चीजें, है ना। तो पाने के लिए है तो ये अवसर भी कम ही मिलते हैं। नई नई चुनौतियां हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, नए नए नियम आ रहे हैं, और हर महीने में परिस्थिति बदल जाती है, आपके कंपटीटर लगातार बढ़ रहे हैं। तो चीजों को देखते हुए एक अच्छा निर्णय लीजिए और समझिए चीजों को कि हमें क्या करना है, है ना। किसी के वर्गलाने में फालतू चीजों में ना पड़ते हुए 2 महीने अपने आप को समय केंद्रित करिए। 2 महीने एक सामाजिक प्राणी की दौड़ से बाहर होकर आप तय कर लीजिए कि आप एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनना चाहते हैं कि अच्छे परीक्षार्थी बनना चाहते हैं। एक अच्छा परीक्षार्थी कभी भी अच्छा सामाजिक प्राणी नहीं हो सकता जब वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आपको कई परिस्थितियों में बहुत सारे लोगों को मना करना पड़ेगा, है ना। जैसे आप इलाहाबाद में रह रहे हैं, माघ मेला चल रहा है, गंगा स्नान कराने जा रहे हैं, आपने अपने 15 दिन गंगा स्नान में व्यर्थ कर दीजिए। आप बताइए, जब आप सफल नहीं होंगे 2 साल बाद ये गंगा स्नान सब भूल जाएंगे, लोग कहेंगे कि आपने समय बर्बाद कर दिया। रिश्तेदार, मित्र, सफलता के 1000 मित्र होते हैं, असफलता का कोई नहीं होता। अगर आप सफल हो जाएंगे सब आपके हैं, अगर आप असफल होंगे कोई आपका नहीं है। लोग ये नहीं सोचते कि आपने कैसे प्राप्त किया, अंतिम समय में बस लोग ये सोचते हैं कि आपने क्या प्राप्त किया। तो आपको क्या प्राप्त करना है, या तो मान लें या तो ठान लें। मानने का मतलब है मान लिया कि हम नहीं कर पाएंगे, और ठान लेने का मतलब है ठान लिया कि हम कर लेंगे। तो अगर ठान लिया कि हम कर लेंगे तो आप कर लेंगे, बहुत छोटी चीज है, और अगर मान ही लिया आपने तो फिर कोई बात ही नहीं। तो ठान लें, लिखना है नीचे कि ठान लिया है, ठान लें कि मान लें। मानना नहीं है, माना एक्स, माना वाई, माना ये हो जाएगा, ये स्वप्न है, ये कल्पना है, ये सब जो चीजें हैं काल्पनिक है। आप ठान लीजिए, आप ठानिए हम आपके साथ हैं। आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। ये मैंने आपको बता दिया। अब जैसे देखिए, पाठ्यक्रम विज्ञान का दिया गया है, सपोज करिए ना, सब कुछ दे दिया गया है अलग अलग विज्ञान के पाठ्यक्रम में, गणित के पाठ्यक्रम में सब कुछ दे दिया गया। अब 20 अंक का गणित है, इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये हम तय करेंगे, हम आपको बताएंगे कहां से आपको 20 नंबर मिलेगा। अब पर्यावरण सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन में जितना पीसीएस आईएएस का सिलेबस होता है, मेरे ख्याल में आपके कमीशन ने कुछ नहीं छोड़ा। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दे दिया है ना, पूरा भूगोल दे दिया, पूरी विज्ञान दे दी, नदियां दे दी, पृथ्वी की संरचना दे दिए, समाज सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी दे दिए, सुधारक दे दिए, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था दे दिए, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, कुछ नहीं बचा, सब दे दिए। पर्यावरण में केवल आपको पर्यावरण संरक्षण पढ़ना है, ध्यान रखिए,
जैसे जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं, चिपको आंदोलन हुआ है, या जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं, या जो नवीन प्रयास है पर्यावरण और आपदा के प्रबंधन में, वो पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। क्लियर? चलिए, इसके बाद अगले पाठ्यक्रम पर जब हम चलते हैं तो जैसे देखिए, अब 10 नंबर में पूरा जीएस है और पर्यावरण है ना, जीके जीएस जिसको आप कहते हैं। शिक्षण कौशल, ये मनोविज्ञान की विषय वस्तु है ना। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि समावेशी शिक्षा से 3 प्रश्न आएंगे, समावेशी शिक्षा से 3 प्रश्न थे, तो ये तय कर सकते हैं हम लोग कि कहां हमें किस चीज पर फोकस करना है। ये ऐसे ही नहीं आता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हम आपको बताएंगे कि किस चीज पर क्या फोकस करना है ना। ये आपका 10 नंबर का है। नीचे देखिए, बाल मनोविज्ञान आपका 10 नंबर का यहां पे है। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, ये सबसे बड़ा पोर्शन 30 नंबर का है। इस पूरे पोर्शन को मैं स्वयं आपको देखता हूं। देखिए, 30 नंबर का ये, 5 नंबर का रीजनिंग 35, 5 नंबर का सूचना तकनीकी और 5 नंबर का जीवन प्रबंधन कौशल और लगभग 5 नंबर का पर्यावरण संरक्षण। इतने जो नंबर है ना, लगभग 50, ये आपके मेरे जिम्मे है और मैं वादा करता हूं इसको 49 नहीं होने दूंगा, इसको 49 नहीं होने दूंगा 50 से, इसकी मैं गारंटी लेता हूं ये 49 नहीं होगा, है ना। ये पूरा पिछली बार 30 में से 30 हम लोगों ने इसमें से क्लियर किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। तार्किक ज्ञान, रीजनिंग का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है 5 नंबर में जो आपको ना दिया गया हो, सारे टॉपिक रीजनिंग के दे दिए गए। मैं कह रहा हूं केवल 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उन 6 टॉपिक में से अगर प्रश्न नहीं आया तो नाम बदल दीजिएगा। कौन से 6 टॉपिक होंगे अगली परिचर्चा में मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना। इसके बाद चलते हैं, सूचना तकनीकी है, इसमें आपको देखिए बहुत सारी चीजें दी गई है। इसमें मैंने पिछली बार भी बताया था कि आपको केवल ऐप और पोर्टल्स पढ़ते हैं, है ना, सरकार के पोर्टल्स और प्रमुख ऐप, और यहीं से आपको 3 प्रश्न मिल गए थे पिछली बार, इस बार भी मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको क्या पढ़ना है और हाँ, इसकी भी परिचर्चा पूरी करूंगा, ओपन सिलेबस की परिचर्चा एक करूंगा। इसके बाद जीवन कौशल प्रबंधन आपका 10 नंबर का है। तो ये आपका पाठ्यक्रम है ना। इस पाठ्यक्रम को मैं अटैच भी करा दे रहा हूं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको नीचे से डाउनलोड भी कर सकते हैं, है ना। समय कम है, समय की कीमत को समझिए। आपको अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। एक जिम्मेदार व्यक्ति और सीनियर होने के नाते मैं बहुत सारे लोगों से छोटा हो सकता हूं, बड़ा हो सकता हूं। एक जो जिम्मेदारी है, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाऊंगा उनके प्रति जिन्होंने एडमिशन नहीं भी लिया है, और उनके प्रति तो ये हमारी लायबिलिटी है जिन्होंने हमारी संस्था से जुड़े हैं। जो सदस्य लगातार संस्था से जुड़ रहे हैं उनको फरवरी के पहले सप्ताह से पेड क्लासेज मिलनी प्रारंभ होंगी और हम आपको 1 या 2 फरवरी से सूचना प्रेषित करना शुरू कर देंगे। आप एकदम इत्मीनान रखें, है ना। और अगर मन में जज्बा है तो लिखिए। कुछ और मैंने कमेंट्स देखे, जैसे आप फैकल्टी को लेके कमेंट्स करते हैं, हमने हमेशा आपको सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी दी है। मनोविज्ञान वाले सर को जब हम आपके यहाँ लाए, आपके लिए लाए, तो उनकी गुणवत्ता आप देखिए, उनका संप्रेषण देखिए। एक मनोविज्ञान के टीचर का जो संप्रेषण होना चाहिए वो संप्रेषण उनका है। हिंदी के लिए हम जिस अध्यापक को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो अपने आप में ज्ञान के भंडार है, तो उन चीजों को आप हमारी तरफ छोड़िए, है ना। ये हमारी जिम्मेदारी है, कोई भी कमोवेशी हम आपकी नहीं होने देंगे। और सभी सदस्य जो सुपरटेट के लिए संस्थान से जुड़े हैं और सदस्य भी जुड़े हैं, आप सब लोग जुड़िए। मैं वादा करता हूं अगर आप घर भी बैठे हैं तो भी हम आपकी इतनी मदद करेंगे, मान लो किसी परिस्थिति में आप नहीं जुड़ पा रहे हैं कि कहीं भी आपको इन चीजों में समस्या नहीं है। आपको ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं इस चर्चा को आज यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि ये चर्चा आपको समझ में आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा और कोशिश करूंगा कि कल से कुछ अच्छाएं मिलनी आपकी प्रारंभ करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।